हेलो एवरीवन माय नेम इज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है मुझसे किसी ने कहा था कि मैम मी दिस इज़ देम प्लीज़ आप कुछ रीडिंग करें तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ तो आपके सामने ये दो पाइल्स हैं यू कैन सी यहाँ पर आपके इनिशियल्स दिख रहे होंगे आपको तो आपको चूज़ करना है अगर आपके पार्टनर का लेटर या फिर आपका खुद का लेटर इस पाइल में आता है तो आप ये पाइल चुनेंगे और अगर आपका नाम इसमें आता है तो आप ये पाइल चुनेंगे ओके सो दिस इज़ पाइल वन दिस इज़ पाइल टू ओके पाइल वन सो जिन भी लोगों ने इसको चुना है पाइल वन जिस किन का लेटर सी डी एफ जी एच आई एन पी क्यू आर यू एक्स वाई आता है तो ये उनके लिए रीडिंग है पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपकी एनर्जी चेक करेंगे एंड फिर हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे सो लेट्स सी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स प्लीज़ गाइड करें थैंक यू थैंक यू ओके लेट्स कि आपकी लाइफ में क्या मेजर हो रहा है यू नो ओके ओके सो ये अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं गाइज आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आप जिस भी एनर्जी में इस वक्त हैं आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं आप एक्चुअल में अपनी चीज़ों में ना जिसे कहते हैं ना फ्रूटेशन देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यू कि, नो you know, कब चीज़ों को बर्थ मिलेगा अगर कहीं ना कहीं आपने किसी सीड को यू you नो know, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस पाइल में बहुत से लोग हैं जो मैरिज चाहते हैं ठीक है अपनी अब कहीं ना कहीं वो मैरिज अपने दिमाग में है उनके जिसे कहते हैं ना क्रिएटिविटी उनके माइंड में है वो चाहते हैं क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं इसे लव पे ही फोकस करूँगी तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप जिन भी के बारे में सोच रहे हैं उनसे आपकी शादी हो यू you नो know, आपकी लव आपकी नॉट लव लाइफ आपकी मैरिज हो मैरिड लाइफ देखते हैं आप ठीक है और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ना आप कहीं ना कहीं ना ये एनर्जी चाहते हैं लेकिन ना आपको कहीं ना कहीं ना समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्योंकि बॉटम डेक में अगर मैं देखूँ तो अगेन ट्रेडिशंस कल्चर मैरिज का कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पर मुझे एम्प्रेस दिख रही हैं ठीक है कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं उसकी डेथ हो ठीक है आप उन चीज़ों से बाहर आए ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ में नो कहते हैं ना आपके जो जैसे कहते ना लाइफ के जो हमारे एनर्जीज होती है, हमारे yang, feminine, हैं हमारे यंग एंड यंग मैस्कुल फेमेइन उसके घोड़ घोड़े दौड़ें आपके लिए है तो ये आपकी फीलिंग है सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है सो so सी जिन भी लोगों ने पाइल वन को चुना है ओके okay, सो so जिन भी लोगों ने पाइल वन को चुना है पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं वट इज देअर करेंट एनर्जी थैंक यू थैंक यू ओके ये कार्ड आना चाहता है ओके okay, दो आ गए ओके ओके सो गाइस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, ठीक है आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ना वो ना जैसे कहते हैं ना डिफेंसिव भी हो रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो रहे हैं वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे ठीक है आप कहीं ना कहीं ना कुछ चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही है जो भी उनके माइंड में चल रही है वो आपको दिखा नहीं रहे हैं ठीक है ठीके? एक जैसे कहते हैं ना हिडन कुछ है उनके अंदर जो वो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीके? और वो कहीं ना कहीं आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा इस रिलेशनशिप पे वो इनफैक्ट सोच भी रहे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं ना फाउंडेशन uh, स्ट्रॉन्ग करने के बारे में भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के बारे में एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मुझे जैसे कहते हैं ना प्यार तो ज़रूर दिख रहा है और कहीं ना कहीं ना लाइज आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे गिव एंड टेक चाहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ लव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट अगर आपके दि आपके रिलेशनशिप uh, में कहीं ना कहीं यू you नो know, अगर पास्ट में माइंड से लेकर यू नो थॉट्स यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के बारे में Uh, कुछ इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं कि यू नो डाउट स्टार्ट कर देते हैं तो अगर पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो आप पे डाउट कर रहे थे किसी चीज़ को लेके या फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे या फिर ज़्यादा पोज़ेसिव हो रहे थे तो वो अभी भी उसी फीलिंग में है और वो कहीं ना कहीं ना उसके बारे में सोच भी रहे हैं कि वदर इट इज़ राइट और रॉन्ड और ये गाइ आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं नो you know, कब का यहाँ पर Uh, वो आया है कार्ड तो डेफिनेटली जिसे कहते है न, fact, हैं कही ना इनफैक्ट टू कप्स आए हैं कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं डेफिनेटली सोच रहे हैं और सिक्स ऑफ कप्स अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि नो कि ये आगे बढ़े तो आपको वो जो ये चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ लव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं ना आप उन्हें समझें वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ठीक है ठीके? वो चाहते हैं आपकी तरफ से इक्वल रेसिप्रोकेशन तो कहीं ना कहीं वो शायद उनको नहीं मिल रहा है तो वो ना थोड़े से अपनी शेल में चले गए हैं तो अगर ऐसा है तो यू शुड यू नो आपको अपनी लाइफ में ट्राई जरूर करना चाहिए एंड गाइज ऑफकोर्स ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी ठीक है आप अपने क्राइटेरिया के साथ देखें ठीक है और अगर मैं यहाँ बॉटम डेक की भी बात करूँ ना हर्मिट वो ना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे भी वो चेकआउट कर रहे हैं नो डाउट ठीक है सो अब हम बाकी की गाइडेंस लेते हैं कि और वो क्या आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है लाइक यू नो ऐसी वो कौन सी चीजें पे आपको काम करना चाहिए ओके यहाँ पे सी द मैन सी कहीं ना कहीं आपके अंदर और उनके अंदर भी ये बहुत 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 ही बड़ा दुख है कि ये रिलेशनशिप फेल हो रहा है कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप फेल हो गया आप फेल हो गए वो फेल हो गए दोनों ही लोग सोच रहे हैं ठीक है और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नो अगेन जजमेंट और डाउट सी आपको अगर लग रहा है यू you नो know, कि उन्होंने आपको डाउट किया या फिर आप उन्हें डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उन्हें टाइम दे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली आप ना चीज़ों को प्री जज ना करें कि ना समझ रहे जैसे कि ना आपके लिए कहा भी जा रहा है कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ चीज़ें सही होंगी ठीक है और अगर आप उसी चीज़ को डाउट में जिएंगे, यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेवजह डाउट करते हैं हमें ज़रूरत नहीं होती है हमें डाउट करने की हम डाउट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ भी चल रही होती है तो हम तभी भी डाउट करते हैं बेकार चलती है तो हम करते ही डाउट है तो आपको कहा जा रहा है आप डाउट ना करें ठीक है इस रिलेशनशिप को भी इनफैक्ट डाउट ना करें अपनी जजमेंट अपनी डिसीजंस पे आपको स्ट्रांग रहना है आपने जो भी सोचा है आप जो भी सोच रहे हैं ठीक है उसमें डाउटफुल ना हो और कुछ भी करें अगर कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं उसका सोर्स हैप्पीनेस होनी चाहिए आपकी हैप्पीनेस आपके पार्टनर की हैप्पीनेस अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो यू शुड मूव और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इस रिलेशनशिप में मेरे कुछ एफर्ट करने से चीज़ें सुधर सकती हैं तो यू शुड डू इट बिकॉज कहीं ना कहीं ना उनकी एनर्जी मुझे स्टैगनेंट दिख रही है ठीक है और आप बहुत कुछ चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं आपसे लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं ठीक है तो आप कुछ जजमेंट नहीं करना है कुछ भी प्री जज नहीं करना है कुछ भी अभी इनफैक्ट कुछ भी जैसे कहते हैं ना तय नहीं है देर इज लॉट मोर इन दिस रिलेशनशिप ठीक है डाउट नहीं करना है और हैप्पी रहना है बिकॉज हैप्पीनेस इज अ दैट थिंग जब आपके साथ ना अगर आप खुश रहते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए अपने आप काम करती हैं अगर आप इस फीलिंग में और इस फीलिंग में है ना तो चीज़ें आपके लिए कभी काम नहीं करेंगी यू विल बी ओनली एंड ओनली अ बिग टाइम फेलियर ओके सो दैट्स सेट गाइज आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट करेगी ठीक है एंड आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय टेक केयर हेलो पाइल टू सो जिन भी लोगों ने पाइल टू को चुना है अगर आपके पार्टनर का नाम या आपका नाम इनिशियल ए बी ई एल जे के ओ एम एस टी वी डब्ल्यू जेड है तो ये पाइल आपके लिए है सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपकी करंट फीलिंग क्या है ठीक है लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट फीलिंग इन जिस प्लीज गाइड करें जिन भी लोगों ने पाइल टू को चुना है उनकी क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड है Okay, uh, Let me shuffle one more time. Okay. Wow. Magician. So guys, it clearly seen, आप एक devil energy में हैं। अभी devil energy is not about like कोई राक्षस है आपके आसपास। It's like आप ना कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स में यू you नो know, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखे हैं आपके आसपास बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ठीक है और ना कहीं ना कहीं कही आपको ना इस पिंक एनर्जी की ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपको ना कुछ चीज़ों में जेंटल होने की ज़रूरत है ठीक है आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा पोजेस्ड फील कर रहे हैं इट कुड भी कि आप किसी इंसान के प्रति इतनी पोजेस्ड हो गए हैं या फिर आप किसी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ नो दैट काइंड ऑफ नेगेटिव थाट जब बहुत ज़्यादा एक्यूमिलेट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है ठीक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत से लोगों की हाई प्रेस्टिस आई है तो मून साइकिल यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मन से डिस्टर्बड हैं ठीक है आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे होंगे आपकी इनफैक्ट साइकिक एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इन्वोक हो रखी होगी लेकिन यू you नो know, कभी कभी जब भी हमारा मून एक्टिवेट होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू you नो know, कभी कभी वो हमें में hallucinations भी देता है कभी कभी वो हमें इल्यूजन्स भी देता है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ना नेगेटिव सोच रहे हैं आपका मन नेगेटिव की तरफ जा रहा है ठीक है आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कब होंगी क्यों नहीं हो रही है आप ना एक्चुअली डिपौ और डिप्रेस भी फील कर रहे हैं ठीक है और कहीं ना कहीं आप ना स्टार का काड़ा है यहाँ पर आप ना इतने कहीं ना कहीं ना आप चुपके से अपने मन के किसी कोने में होपफुल भी हैं चीज़ों को आप ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना आप इनफैक्ट रिपीटेड नंबर्स भी देख रहे होंगे और आप आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है चीज़ों की कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा ठीक है यू आर वेरी होपफुल एंड यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है स्टार का कार्ड अपने आप में ही ये दिखाता है और मुझे अभी एक और गाइडेंस है, हो सकता है कि आप लोगों का गला भी बहुत दर्द करो इनफैक्ट गाइज आई कैन सेंस द पेन इस पे, इस पाइल में पेन बहुत है और कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो इतना भर आ जाता है कि वो गले तक आ जाता है और आप इनफैक्ट ये पाइल मुझे से फील हो रहा है बहुत चुपके से रो रही है तो पाइल टू प्लीज़ ऐसा ना करें स्टार का कार्ड आया है बी होपफुल स्टार का कार्ड अपने आप में ही ये दिखाता है कि होपफुल रहें कितनी भी नेगेटिव थॉट्स आए पॉजिटिविटी ऑलवेज क्रैक नेगेटिविटी ठीक है तो ये आपको यही बता रहा है ठीक है आई नो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा भी मुझे यू you नो know, कुछ जिस कहते हैं तो ना कुछ स्टक एनर्जी में भी दिख रहे हैं आप मुझे ना. लेकिन ना बॉटम नेक में मैजिशियन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना और इस फाइल में मैं देख रही हूँ कि कुछ जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है मैस्कुलन एनर्जी मतलब कि वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना उनमें सी मैस्कुलन फेमिनिन दोनों में होती है लेकिन दिस पर्सन हैविंग टोटली मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही स्टबन है अपने थॉट्स को लेके बहुत स्टबन है और इट कुड बी योर एनर्जी टू कि आप भी बहुत स्टबन हो रहे हैं किसी चीज़ों के अंदर ठीक है तभी मुझे ये गाइडेंस है कि यू नीड टू बी जेंटल आपको पिंक एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है गाइस आपको पिंक uh, क्रिस्टल या पिंक लाइट के साथ आप काम कर सकते हैं ठीक है और, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप करते रहिए ठीक है बी होपफुल एंड लेट्स सी अब आपके पार्टनर की क्या गाइडेंस आ रही पार्टनर की क्या फीलिंग्स आ रही है सो लेट्स वट इज योर पार्टनर आई टू वट देर पार्टनर ओके सो आल नॉट टेक दिस वन टू आपके पार्टनर्स भी काफी डिस्टर्ब हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं मई गॉड सी टोटली टोटली वाओ सन का कार्ड आया है गाइज आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं ना Uh, हो सकता है कि वो शादीशुदा हो, इट कुड बी पॉसिबल ये सबके लिए नहीं है ठीक है या आप मैरिड हो, या आपका पार्टनर मैरिड हो सकते हैं ठीक है ठीके? या फिर कहीं ना कहीं ना प्लीज uh, गाइज ये सभी के लिए नहीं है आप देखिएगा कि किसके साथ ये रेजोनेट होती है कि इट कुड भी कि वो मैरिड हो, ठीक है सेकेंडली अगर वो नहीं भी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं कही वो आप पास में ना आपसे इनफैक्ट अभी भी, भी ना मैरिज के बारे में सोच रहे हैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं वो चाहते हैं कि आपकी इस लव लाइफ में दोबारा से ना जैसे कहते हैं ना पिलर जुड़े, कहीं ना कहीं वो जो पिलर टूट गए हैं वो वो जुड़े, वो हाईली वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं ठीक है और कहीं ना कहीं ना वो वेट कर रहे हैं आपका ठीक है वो वेट कर रहे हैं कि कब कब कहाँ से एक रोशनी आएगी एक ताला खुलेगा कैसे वो आपको अप्रोच करें या फिर वो आप आप उन्हें अप्रोच करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअली ठीक है और कहीं ना कहीं वो भी अभी इनफैक्ट बहुत डिस्टर्ब है और उनकी भी साइकिक एबिलिटी पूरी ऑन है आप इनफैक्ट आप दोनों की ही साइकिक एबिलिटी आप आई एम श्योर आप सपने भी देख रहे होंगे वो भी आपके बारे में काफ़ी सुन देखते होंगे यू नो आप लोग ड्रीम में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा करीब पाते होंगे एक दूसरे के ठीक है ये भी मैं बहुत देख रही हूँ और बॉटम डेक सन का कार्ड है ओ गॉड सी गाइस बॉटम डेक दोनों ये सन का है और एम्प्रेस का है तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं मांग रहे हैं वो चाहते हैं वापस से चीज़ें अच्छी हो जाए सन का कार्ड आया है और एम्प्रेस का कार्ड आया है ये अपने आप में ही दिखाता है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप है थोड़ा आ, ये वो रिलेशनशिप है जहाँ ये इंसान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप भी बहुत स्ट्रांग है कहीं ना कहीं ना ये रिलेशनशिप में दोनों बहुत स्ट्रांग है और मैं ट्विन फ्लेम भी देख रही हूँ इस रीडिंग में इस पाइल में इट कुड भी पॉसिबल कि आपके ये ट्विन फ्लेम हो और यू you नो know, कहीं ना कहीं ना ये भी आपको लेके बहुत ही ज़्यादा होपफुल है और ये एक टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कब चीजें आप उनके पास यू you नो know, उनके अकॉर्डिंग हो और कहीं ना कहीं ना सी वो एक प्रोडक्टिविटी एक ग्रीनरी एक चीज़ कहते हैं ना एक स्टेबिलिटी मांग रहे हैं एंड स्पार्क भी मांग रहे हैं आपसे वो ठीक है और कहीं ना कहीं मुझे इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली जिसे कहते है ना, हैं ना स्पार्क दिख रहा है इट कुड भी पॉसिबल गाइज क्योंकि अभी इनफैक्ट बिकॉज ऑफ मोनज इन स्कॉर्पियो तो भी चीज़ें थोड़ा सा यू you नो know, uh, आपके मूथ स्विंग भी बहुत हो रहे होंगे और उनके भी हो रहे होंगे इनफैक्ट तो गिव समाइम और चीज़ें हम मुझे आपके लिए बहुत बहुत होपफुल दिख रही हैं ठीक है ठीके? और लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रही है को क्या करना चाहिए तो वट यू नीड टू डू ओके हेल्थ ओके सो गाइज आपकी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं एज आई टोल्ड यू आपके गले में आप बहुत रो भी रहे हैं चुपके से आप बहुत परेशान हैं इनफैक्ट काजस की एनर्जी कैन सी इट ठीक है कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता है ठीक है आप चीज़ों को और दूर कर देते हैं अपने आप से ठीक है पीस एग्जैक्टली exactly. आपको पीस लाना है एंड इमेजिनेशन सी यहाँ पर बॉटम डेक आपका आया था मैजिशियन तो मैजिशियन कौन होता है नो मैटर वॉट आपके साथ कुछ भी गुजर रहा है लेकिन उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और आपको क्या करना है क्योंकि आपकी सैकिल एबिलिटी इतनी अच्छी है और अभी इनफैक्ट आपको मून से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें आप वो सोचें जो आप चाहते हैं रन जो हुआ ठीक है और अपनी हेल्थ पर ध्यान देगा इस ठीक है अपनी प्रॉपर आप स्लीप लें खाना खाएँ और दर इज नो नीड टू वरी नो नीड टू वरी बिकॉज थिंग्स आर वेरी वेरी होपफुल फॉर यू डोंट वरी आप अभी इनफैक्ट आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको पीसफुल रहना है ठीक है और डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है और अपनी इमेजिनेशन को और स्ट्रोंग करो स्ट्रांग इन देंस इन अ पॉजिटिव वे नॉट इन अ नेगेटिव वे सी यहाँ पर बॉटम डेग भी फ्रीडम आया है फ्रीडम इज लाइक फ्रीडम फ्रॉम एवरी पेन फ्रीडम फ्रॉम योर डाउट्स फ्रीडम फ्रॉम योर यू नो दैट सॉरो फ्रीडम फ्रॉम योर पेन आपको इन चीज़ों को फ्री करना है और गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग जो आपके लिए चीज़ें होती हैं ना वो अपने आप आ जाती हैं और जो चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं ना यूनिवर्स उनको डी क्लटर कर देता है क्योंकि आप नहीं कर पाते हैं तो यूनिवर्स को उसके अंदर यू नो इंटरवेंट करना ही पड़ता है तो आपका काम सिर्फ इस वक्त ये है अपने पर ध्यान रखें ठीक है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर स्ट्रांगली बिलीव रखें वो जरूर जरूर पूरा होगा ठीक है और इस पाइल में मैं एक चीज़ और देख रही हूँ हो सकता है कि आप ना शायद कहीं ना कहीं, कहीं थोड़ी सी ना लोगों को देख के ना जल भी जलना तो इट्स नॉट अ राइट वर्ड जलना मतलब यू नो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देख के ना परेशान भी हो रहे हैं लोगों की कि यू नो थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉर यू उनके साथ ऐसा अच्छा हो रहा है ना आपको वो फील भी नहीं लानी है ठीक है आपको अपने लिए अच्छी 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 चीज़ें इमेजिन करनी है ठीक है और इस स्पाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिंक एंड ग्रीन एनर्जी के साथ आप ग्रीन्स खाएं ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें ठीक है गाइज अपने हार्ट चक्रा को एक्चुअली मैं यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉग देख रही हूँ तो अपने हार्ट चक्र को हील करें क्योंकि जब हम हार्ट चक्र हील करते हैं ना तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं उस प्यार की एनर्जी से कोई नहीं बच पाता ठीक है गाइज आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड ये रीडिंग्स आपके लिए तभी रेजोनेट कर पाएंगी जब आप मेरी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बनेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपके लिए और रीडिंग्स लेकर आई आऊँगी और आई विल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी आपके लिए कर पाऊँ और वो मैं करूँगी ठीक है और कोई भी चीज़ हो अगर कोई भी को डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं आप मुझे फेसबुक या हॉल या फिर इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं और गाइस मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पर लाइव फ्री रीडिंग करने वाली हूँ येस yes, लाइव फ्री रीडिंग आपका जो भी सवाल है आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं ठीक है एंड एक यस uh, नो yes, no भी हो सकता है वो और यू नो लॉट ऑफ़ वैरायटी होना भी देर तो मेक श्योर sure कि आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब पे फॉलो करते हों ठीक है और uh, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ठीक है गाइज एंड बाय बाय टेक केयर एंड आई इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय